praise the lord thank you jesus praise the lord praise the lord प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में आप सबों को मेरा जय मसीह की मैं परमेश्वर का तही दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आज के पवित्र दिन में परमेश्वर ने मौका दिया कि आज हम सब मिल के इस माध्यम से एक दूसरे से जुड़ने पाए और प्रभु के नाम को महिमा देने पाए मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए कि परमेश्वर ने हम सबों को सुरक्षित भला चंगा और सहेज के रखा है और यह परमेश्वर का ही अनुग्रह है कि हम सब जीवित हैं और अलग अलग जगहों से परमेश्वर की आराधना स्तुति कर पा रहे हैं सचमुच हर एक बातों में परमेश्वर के नाम को महिमा मिले और साथ ही साथ में धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रेयर ग्रुप टीम जीसस का और इसके साथ जुड़े हुए एक भाई बहनों का मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ और खास तौर पर ब्रदर आशीष का जिन्होंने फिर से मौका दिया है कि हम सब मिल के संगति करने पाए और वाकई में ये बहुत अनोखी बात है कि हम सब अलग अलग जगहों से हैं लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है एक खास मकसद के लिए और इस मकसद को हम और आप अलग अलग जगहों से परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहे हैं परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर रहे हैं मैं हर एक बातों में परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और चाहती हूँ कि सचमुच आप सबों के इस प्रोत्साहन का और जो आप लोग देते हैं एक दूसरे को परमेश्वर इसका प्रतिफल आप सबों को दे और आने वाले अपने उस राज्य में आप सबों को शामिल करें प्रेज द लॉर्ड आइए हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे और उसके साथ हम आगे जाएंगे आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे उसके साथ हम अपनी आराधना को स्टार्ट करेंगे थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस लोया ये मेरे महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिखाया है पिता मैं धन्यवाद देती हूँ पिता ये आपका अनुग्रह और दया है कि हम सब मिलके पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करने पाए और आपकी दया है पिता कि हम जीवित हैं सबसे बड़ी बात हमारे जीवन में यही गवाही है पिता कि हम सब जीवित हैं और जीवित होके पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा कर पा रहे हैं पिता हर एक बातों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ आज की आराधना और इसके जो आपने वचन दिया है इन सारी बातों के लिए आज के सेशन को पिता परमेश्वर आप अपनी उपस्थिति से भर दीजिए हम चाहते हैं पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति हम में से हर एक जन के साथ हो पिता इस सेशन में पिता परमेश्वर जितने लोग जुड़ते हैं हर एक को आप आशीष दीजिए पिता परमेश्वर और ख़ास तौर से मैं इस पेज के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता जो आपने दिया है इसके माध्यम से बहुत सारे लोग आपके वचन को सुनते हैं इससे जुड़े हुए हर एक भाई बहनों को बहुत आयत से आशीष दीजिए उनके इस प्रयत्न को देखते हुए पिता परमेश्वर आप उनके परिवारों में और आने वाले समय में और भी भरपूरी से इस्तेमाल करें और जितने हमारे भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं हर एक के साथ आप होइए हमारा बोलना हमारा सुनना और होने दीजिए पिता आपको ग्रहण योग्य होने पाए और इन वचनों के अनुसार में से हर एक जन की आप सहायता करें कि हम आपके वचनों के अनुसार चल सकें और अपने आपके वचनों के अनुसार अपने जीवन को ढालने पाए एक बातों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ खासतौर से अपने आप को पिता जो भी आपने मुझे दिया है मैं आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करने पाऊँ पिता और क्या मांगो आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य नामे मांगती हूँ आमिन आमिन प्रेस द लॉन आइए एक सॉन्ग के साथ हम आगे जाएंगे और परमेश्वर के नाम को हम महिमा देंगे जीसस द लॉर्ड परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि हम सब इस आराधना में हम शामिल हो सके सचमुच ये परमेश्वर का महान अनुग्रह है महान दया है और ये गीत इतना सुंदर है वैसे ही परमेश्वर हमें बताता है कि चाहे कुछ भी हो चाहे हमारा स्वामी हमारा मालिक सिर्फ़ यीशु मसीह है और परमेश्वर बताता है कि चाहे हम किसी भी दुख और दर्द से क्यों ना गुजरें क्यों ना हमारी परिस्थिति कैसे भी हो लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते हैं कभी भी नहीं त्यागते हैं और सचमुच मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच हमें परमेश्वर ने चुना है अपने ख़ास मकसद के लिए प्रोज और मैं हर एक बातों में मैं प्रभु को महिमा देती हूँ आइए आज इस गीत से मैंने इस गीत को इसलिए चुना क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत करीब है ये सॉन्ग और ये हर एक व्यक्ति के लिए मैं सोचती हूँ जब वो अकेला महसूस करता है जब वो अपने आप को बिल्कुल आ, उस स्थिति से जब वो गुजरता है जब उसको लगता है कि उसके आसपास कोई आस नहीं है जब उसके आसपास कोई आ, छुटकारा नहीं है तो वो सिर्फ परमेश्वर को याद करता है और उस समय परमेश्वर उसके लिए मार्ग को निकालते हैं प्रेज द लॉड एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ जिसका जीवन ऐसे ही पीड़ा में गुजरा उसकी पीड़ा असहनीय थी और वाकई में हम जब इस संसार में रहते हैं हमें से हर एक जन को ऐसी पीड़ाओं से कई बार गुजरना पड़ता है कई बार हमें ऐसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है जिसमें हमारा साथी कोई नहीं होता है हमें अकेले ही उस स्ट्रगल को फेस करना पड़ता है उन कठिन परिस्थितियों को फेस करना पड़ता है जो हमारे इर्द गिर्द होती हैं लेकिन बाइबल में एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र है जो हमारे लिए एक मिसाल है हमारे लिए एक उदाहरण है जिसके बारे में हम पुराने नियम में पाते हैं लेकिन उसका वर्णन नए नियम में आया है और एक बहुत ही खास गुण के लिए आया है आइए हम पढ़ेंगे याकूब उसका पांच अध्याय और उसके ग्यारह पद में यहाँ पर आप लोग जानते होंगे ये मैं किस व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ और इससे हमारे जीवन को बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है हम इसे जब ऐसी परिस्थितियों से गुजरे तो हम परमेश्वर के दासों को परमेश्वर के वचनों को हम याद करें जो परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं जिससे हम कई बार उन परिस्थितियों से गुजरने में हमें बल मिलता है वो व्यक्ति है अयुब प्रेज द लॉर्ड याकूब पाँच और उसके ग्यारह पद में आ, हम पढ़ेंगे अयुब के बारे में लेकिन मैं थोड़ा आ, आगे से पढ़ूंगी आठ पद से तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो क्योंकि प्रभु का शुभागमन निकट है हे भाइयों एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है हे भाइयों जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं तुमने अयुब के धीरज के विषय में तो सुना ही है और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसको जान भी लिया है द लॉर्ड। अयुब फेमस था अपने धीरज के विषय में लेकिन जब मैं इसकी स्टडी कर रही थी तो अयुब के जीवन से बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलती हैं जो कि हमारे जीवन के बहुत नजदीक है ऐसा कोई भी नहीं है जिसने इस जीवन में दुखों को ना देखा हो कठिन परिस्थितियों को ना देखा और कई बार हम सुनते भी हैं कि बहुत सारे लोग आज ऊंचे पर ऊंचाई पर पहुंचे क्योंकि उन्होंने कई कठिन परिस्थितियों से उनको गुजरना पड़ा कई दुखों से उनको गुजरना पड़ा उन्हें एक को, इन के लिए कुछ चीजों को हम जानते हैं अयुब का जीवन एक बहुत ही धीरजवंत जीवन था और मैं इस जीवन से इसलिए इस ज्यादा इंस्पायर होती हूं क्योंकि हम मसीहों के लिए यह बहुत बड़ा आदर्श है हम में से हर एक जन जानता है कि दुख क्या होता है जब वो व्यक्ति फेस करता है मैं और आप तो हम समझते हैं कि वो जब हम फेस करते हैं तो हमारे लिए बहुत कठिन होता है कि हम उस दुख की घड़ी से गुजरे लेकिन कई ऐसी पीड़ाएं होती है जिन्हें कोई हमारे लिए कम नहीं कर सकता है वो हमें खुद सह के पार करनी पड़ती प्रोजन अयुब के बारे में हम जानते हैं क्यों नए नियम में इसका जिक्र याकूब ने किया क्यों याकूब ने इस बात को धीरज से धीरज की बातों को अयुब से रिलेट किया क्योंकि इतने सालों बाद भी अयुब को एक आदर्श के रूप में देखा जा रहा था जो आज मेरे और आपके लिए भी है आइए हम निकालेंगे अयुब के बारे में जिसके जीवन से हम कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं कई बार हम अपने जीवन में कई लोग कहते हैं हमारा दुख बहुत है हम इस दुख से इस दुख की घड़ी में हम कैसे गुजरे कई बार हम लोग इस दुख में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं लेकिन अयुब ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा अयुब को स्मरण था कि परमेश्वर उसका छुड़ाने वाला जीवित है वैसे ही अपनी लाइफ के लिए हमें एक आदर्श रखना है जो प्रभु बताता है कि उसके दासों के जीवन को हम देखें हम चाचे जब हम वचन पढ़ते हैं तो सिर्फ हम पढ़े ही नहीं जब हमारे सामने वैसी घड़ी आई जब हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आए तो हम किन बातों को स्मरण करते हैं किन वचनों को स्मरण करते हैं और किन वचनों से हमें बल मिलता है सबसे ज्यादा अगर आपको सपोर्ट मिलेगा अपनी किसी भी घड़ी में तो वो होगा परमेश्वर का जीवित वचन प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर का वचन बताता है अयुब के बारे में अयुब उसका पहला अध्याय और उसके बारे में हम पढ़ेंगे उच्च देश में अयुब नाम का एक पुरुष था वो खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था यह है एक व्यक्ति का इंट्रोडक्शन ऐसा इंट्रोडक्शन जो इस संसार में मिलना बहुत मुश्किल होगा अगर आप ढूंढेंगे भी तो बहुत कम लोग होंगे जो आप उन व्यक्तियों के बारे में आप बोल पाएंगे ऐसी क्वालिटी ऐसे गुण एक व्यक्ति में मिल पाना वो भी एक साथ और वही नहीं उसकी क्वालिटी के साथ साथ उसके बारे में भी लिखा है जो हम पढ़ते हैं आगे उसके साथ बेटे तीन बेटियां थी और सात हजार भेड़ बकरियां यहां उसके मवेशी उसके धन संपत्ति के बारे में जिक्र किया गया है तीन हजार ऊट पांच सौ जोड़ी बैल पांच सौ कदैया बहुत सी दास दासी वरण उसकी इतनी संपत्ति की पूर्वियों में वो सबसे बड़ा था प्रो द लॉर्ड परमेश्वर का भय मानने वाला खरा सीधा और पर बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति सोचे कितना अनोखा होगा कितना यूनिक वो होगा और जानते हैं साथ ही साथ वो गुणों से तो भरपूर था ही संपत्ति से भी था और हम अक्सर हम जानते हैं हम जब अपने इर्द गिर्द देखें तो अगर ऐसी क्वालिटी किसी में पाई जाए या जिसके पास काफी धन संपत्ति पाई जाए अक्सर वो लोगों के जीवन में वैसे गुण नहीं पाए जाते धन संपत्ति हो सकती है तो गुण नहीं होंगे गुण होंगे तो ऐसी चीजें नहीं होंगी ऐसी आशीषें नहीं होंगी लेकिन अयो एक सबसे यूनिक व्यक्ति जिसके बारे में परमेश्वर का वचन जिक्र करता है और उससे भी बड़ी बात कि परमेश्वर उसके बारे में आगे गवाही भी देता है जिसके बारे में परमेश्वर गवाही दे जिसके बारे में परमेश्वर प्रशंसा करे आप सोच सकते हैं वो व्यक्ति कैसा रहा होगा परमेश्वर का वचन बताता है कि सचमुच इतनी सारी क्वालिटीज होने के बावजूद सा के साथ साथ चलने वाले गॉडली मैन था एक आत्मिक व्यक्ति सोचिए वो इतना अच्छा होगा उसका परिवार कितना अच्छा होगा इसलिए परमेश्वर ने उसको बहुत ब्लेस किया था बहुत आशीषें दी थी हम क्या सोचते हैं हम सोचते हैं अगर हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हम बहुत कठिनाइयों से हमें गुजरना पड़ेगा हमारे पास धन नहीं नहीं होगी लेकिन आप सोचिए ये एक उदाहरण है हमारे पास बाइबल में और परमेश्वर वायदा करता है पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सारी वस्तुएं हमें मिल जाएंगी सचमुच परमेश्वर का वचन इतना अनोखा है तो इस व्यक्ति के जीवन से पहला पहला इंट्रोडक्शन पहला पद जो शुरू होता है इस बुक का इतने अच्छे इंट्रोडक्शन से क्या ही अच्छा वो इंसान होगा और आगे जब हम देखते हैं आप लोग पखू भी इस बात को अच्छे से जानते हैं आप लोग सबों ने अयुब के जीवन के बारे में सुना है लेकिन जब कुछ बातें हमारे जीवन में आती हैं तो हम उन वचनों को याद नहीं रख पाते हैं जानते हैं अयुब में ये क्वालिटी तो थी ही उसके साथ धन संपत्ति भी थी उसके बावजूद वह परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था यह कितनी सुंदर बात है लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हमारे पास चाहे अभाव हो चाहे हमारे पास भरपूर हो लेकिन परमेश्वर के साथ चलना सबसे अनोखी और सबसे सुंदर बात है द लॉर्ड परमेश्वर का वचन बताता है उसके बच्चे भी इतने ब्लेस्ड थे वो एक दिन एक फंक्शन पे गए थे उससे पहले कि उन लोग के जो सेलिब्रेशन भी होता था हम देखते हैं पाते हैं कितना अच्छा पारिवारिक माहौल था उस परिवार में इतना प्यार सब कुछ था सब चीजों से भरपूर था और उसके बाद हम पाते हैं कि परमेश्वर के वचन से कि आ, उन, की एक ऐसी क्वालिटी देखने को मिलती है कि वहां पे लिखा है कि अयुब क्या करता था अपने से ज्यादा परमेश्वर का सोचने वाला परमेश्वर के भय में चलने वाला व्यक्ति था वो अपने से ज्यादा परमेश्वर के बारे में सोचता था वो कैसे मैं आपको बताती हूं यहां लिखा है कि उसको ये डर रहता था कि मैं कोई परमेश्वर के समक्ष पाप ना करूं ये अयुब के जीवन से सीखने वाली हमारे लिए एक शिक्षा है एक सबक है एक लेसन है जो उसके जीवन से हम सीख सकते हैं इतना अच्छा परिवार इतने सुंदर बेटे बेटियां इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो ये डरता था कि मैं परमेश्वर के बारे में सोचूं परमेश्वर के समक्ष कोई पाप ना करूँ और अगर मेरे बच्चों से कोई पाप हो जाए अगर मेरे बच्चों ने कोई पाप कर दिया तो वो उनको पवित्र करता था और बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बली चढ़ाता था क्योंकि वो क्या सोचता था वो अपने बारे में नहीं सोचता था वो सोचता था अगर मेरे बच्चों ने ऐसा किया है तो मेरे बच्चे के पापों को प्रभु क्षमा करे ये कितनी अच्छी बात है आज तो हम अपने बारे में ही नहीं सोचते हैं आज तो हम ये भी नहीं सोचते हैं हम कितने पाप को कर रहे हैं कितना हम परमेश्वर के नजदीकता में बने हुए हैं कितना हम परमेश्वर की बातों पर ध्यान देते हैं और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि उसके वो अपने बच्चों के बारे में इतनी अच्छी थिंकिंग रखता था तो उसके बच्चे अपने फादर को देखते होंगे तो वो कितना इस चीज़ से इस चीज़ को उनके अंदर भी ये बातें शुरू से बनी थी कि वो परमेश्वर का भय माने ऐसे ही हमारे परिवार की बुनियाद होनी चाहिए ऐसे ही हमारे परिवारों में ये बात शामिल होनी चाहिए कि हम कैसे अपने परिवार को चलाते हैं कैसे हम अपने परिवार की आ, परिवार के बारे में सोचते हैं आजकल ना हम अपने बच्चों पे गौर करते हैं ना हम अपने आप पे गौर करते हैं प्रेज द परमेश्वर का वचन बताता है कि वो उन लोगों के लिए सोचता था अपने बच्चों के लिए सोचता था जो व्यक्ति अपने बच्चों के एक एक पाप को एक एक चीजों को नोटिस करता था बच्चों के लिए वो इतना ज्यादा वो कॉन्शियस रहता था और हम भी रहते हैं हम अपने बच्चों पर कई बार तो ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों की कई बातों पर ध्यान भी नहीं देते हैं लेकिन अयुब ध्यान देता था अयुब देखता था कि मेरे बच्चों ने तो कहीं कहीं गलती नहीं की है वो सिर्फ इसलिए कि कहीं परमेश्वर उनसे नाराज ना हो जाए कहीं परमेश्वर उनसे दुखित ना हो जाए उनके कामों से आज हमारे जीवन में ये बहुत बड़ी सीख होनी चाहिए हम नोटिस करें आज हमारे बच्चे आज हमारा परिवार किस दिशा में जा रहा है क्या हमारे बच्चे परमेश्वर के लिए उतने आ, उतने डेडिकेटेड हैं उतने सिंसियर हैं वचन के लिए ये हर एक माँ बाप को सोचने की जरूरत है कि अच्छा पिता एक अच्छा पिता यहाँ पत्नी का जिक्र नहीं आया है यहाँ मां का जिक्र नहीं आया एक पिता का जिक्र आया है कि पिता को कितनी चिंता थी कि उसके स्वर्गीय पिता को कोई दुख ना पहुंचे हमारे किसी कामों से लॉर्ड ये हम अयुब के जीवन से सोचते हैं और उसके बाद एक ऐसी घटना घटती है यहां अयुब अपनी फैमिली में बहुत अच्छे तरीके से इन्वॉल्व है लेकिन एक तरफ एक बहुत बड़ी कन्वर्सेशन हो रही है जो हम आगे पढ़ते हैं परमेश्वर और शैतान के बीच कैसी कन्वर्सेशन थी बहुत अनोखी कन्वर्सेशन थी सोचिए परमेश्वर और शैतान के बीच एक व्यक्ति को लेकर बात हो रही है कितनी बड़ी बात है आप सोच के देखिए वचन बताता है कि वहां पर शैतान आता है परमेश्वर उसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या तूने मेरे दास पे ध्यान दिया है आयूपे? कि उसके जैसा और 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 मेरा भय मानने वाला वाला बुराई से दूर रहने पुरुष कोई भी नहीं है देखिए जब परमेश्वर आपकी प्रशंसा करे जब परमेश्वर आपके बारे में बोले कितनी खुशी की बात है और सचमुच ये बात हम पढ़ रहे हैं लेकिन अगर ये अयुग सुनता उसको कितनी खुशी होती कि जीवित परमेश्वर जिसने उसको बनाया है उसके कामों से कितना खुश है आज हम भी चाहते हैं कि परमेश्वर उस जगह जब हम उसके सामने उपस्थित हों तो परमेश्वर हमें रिवॉर्डेड करे परमेश्वर इतने ही अच्छे वचनों को हमारे लिए भी बोले हम जानते हैं परमेश्वर इस बात को कितने अच्छे तरीके से शैतान के सामने रख रहा है और जब परमेश्वर ने यह बात की तो हम जानते हैं क्या होता है हम अपने जीवन में देखें जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं जब आप परमेश्वर के निकटता में रहते हैं जब आपका संबंध परमेश्वर से बहुत ज्यादा दृढ़ होता है तो आप जानते हैं आपके लोग प्रशंसा करते हैं परमेश्वर भी आपके कामों से खुश होते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी बातों से आपके कामों से बिल्कुल खुश नहीं होंगे और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शैतान को होती है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शैतान को होती है शैतान ये देख ही नहीं सकता है कि कोई भी व्यक्ति प्रभु में बढ़े और जब परमेश्वर की नजरों में उसके सामने ये सारी बातें आती हैं, तो आप समझिए वो कितना परेशान हो जाता होगा वो कितना परेशान हो जाता होगा वो ये सोचता होगा कि कैसे मैं इस व्यक्ति की इस इमेज को जो बनी है उसको बिगाड़ू आप अपने जीवन में देख रहे होंगे ये बहुत हमारे जीवन में सीखने की बात है अयुब के जीवन से कि जब हमारे जीवन में ऐसी कई बातें हैं तो हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है अपने मसीही जीवन को चलाने के लिए एक तो खराई एक सिधाई और परमेश्वर का भय मानने वाले के लिए परमेश्वर ये बात शैतान से कर रहा है उसकी गवाही दे रहा है अयुब की गवाही परमेश्वर ने शैतान के सामने दी और जब ये गवाही शैतान के सामने आती है शैतान उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है ठीक वैसे ही जब आपके लोग प्रशंसा करते हैं जब आप प्रभु में बढ़ते हैं प्रभु की सेवकाई के बारे में पढ़ते हैं हो सकता है बहुत सारे लोग खासतौर से क्योंकि ये सारी जो क्वालिटीज होती हैं वो होती है जलन ईर्ष्या ये सारे जो दुर्ग दुर्गुण होते हैं वो सारे शैतान की तरफ से आते हैं क्योंकि शैतान ये पसंद नहीं करता और वो कई ऐसे लोगों में पाए जाते हैं उससे क्या होता है कि लोग आपसे क्या करने लगते हैं लोग क्या करने लगते हैं आपसे चलने लगते हैं और वो आपके बारे में कई बुरी बातों को बोलते हैं परमेश्वर का वचन बताता है जैसे ही ये बात शैतान ने सुनी उसको बर्दाश्त नहीं हुई मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं और अयुब के जीवन से इंकरेज करना चाहती हूं अगर आपके जीवन में आपका संबंध परमेश्वर से अच्छा है आप परमेश्वर के लिए कामों को कर रहे हैं कभी भी मत घबराइए आप परमेश्वर को देखते हुए आके पढ़ते जाइए बेशक लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते उस पर आप बिल्कुल मत ध्यान दें आपको आपका प्रतिफल परमेश्वर देगा आपको आपका प्रतिफल परमेश्वर देगा उसने वायदा किया है लेकिन अगर लोग आपके बारे में बोले लोग आपकी उन्नति से जलें तो वो उसका प्रतिफल पाएंगे क्योंकि ये ईर्षा ये जलन ये द्वेष जो है वो शैतान के तरफ से आता है और ये किसी के लिए भी बोलना ये अच्छी बात नहीं है परमेश्वर का वचन बताता है जैसे ये बात शैतान ने सुनी शैतान ने झट से उत्तर दिया शैतान ने यहा को उत्तर दिया क्या अयो परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है अब आप देखिए ये कितनी बड़ी बात थी कि वो शैतान परमेश्वर से ये बात कह रहा है और अक्सर यह हमारे जीवन में होता है जब हम कुछ भी अच्छा करते हैं तो क्या होता है कि लोग उसमें गलतियों को निकालते हैं शैतान का काम है उस नुक्स को निकालना उन बातों को निकाल के आपके सामने रख देना अगर आप बिल्कुल ठीक हैं, उसके बावजूद भी वो आपकी अच्छाइयों से उस बुराई को ढूंढेगा वो अच्छाई से बुराई को ढूंढेगा और होगा क्या कि वो आपको हमेशा पीछे रखेगा और वो आपकी कमियों को आपके सामने लाएगा लोग बहुत सारे आपकी कमियों को बताएंगे कई बार ऐसा होगा कि लोग आपके बारे में कई तरह की बातों को बोलेंगे कि आप फिर आप बिल्कुल परफेक्ट है लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग आप में से नुक्स को निकाल देंगे लेकिन हम ये जानते हैं हम प्रभु के लोग हैं हम परमेश्वर के संतान हैं परमेश्वर ने चुना है आप जानते हैं जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे यीशु मसीह बिल्कुल पवित्र थे उनमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी लेकिन इसके बावजूद भी फरीसी सदुकी व्यवस्थापक इसी बात में लगे रहते थे कि कैसे यीशु मसीह की उन गलतियों को ढूंढे और वो निकाल भी लेते थे वो पकड़ते थे कि यीशु मसीह ने कौन सी ऐसी बात पकड़ी ठीक वैसे ही अयुब के जीवन में जब हम देख रहे हैं इन सारी बातों को तो इन सारी बात ये सारी बातें हमारे जीवन में सीखने के लिए एक विषय है एक सीखने के लिए कारण है कि हम सीखें कि हम कहाँ हैं परमेश्वर का वचन बताता है कि शैतान ने जब उसने प्रशंसा सुनी उसको बर्दाश्त नहीं हुई कि परमेश्वर ने अयुब की प्रशंसा की वो तो मनुष्य है फिर भी इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है और वाकई में ऐसे ही हुआ और जब शैतान ने को उत्तर दिया तो उसने अयुब पे सीधे सीधे स्वार्थी होने का दोष लगाया क्या अयुप? बिना स्वार्थ के आपका मानता है भय अक्सर लोग आपसे कहेंगे जरूर आपका कोई स्वार्थ होगा इसलिए आप प्रभु की सेवा में जरूर आपकी कुछ बातें होंगी जो आप ऐसा कर रहे हैं बहुत सारे लोग कई बातों को आपको बोलेंगे लेकिन मैं आप सब को करना चाहती हूँ परमेश्वर की बातों पे ध्यान दे परमेश्वर के वचनों पे ध्यान दे परमेश्वर आपसे फल चाहता है आप बिल्कुल परमेश्वर के वचन को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर की सेवा करते रहें परमेश्वर का वचन बताता है कि हमेशा हम उस सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर ताकते रहें परमेश्वर की ओर ताकते रहें और परमेश्वर का वचन बताता है जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कि जानते हैं आप जब परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है लेकिन शैतान भी हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है वो जानता है कि वो हमारी किस कमी को पकड़ेगा किन कमजोरियों को पकड़ेगा और वो हमें पाप में गिरा दे लेकिन जब हम यहाँ पढ़ते हैं तो यहाँ पर शैतान कहता है कि क्या तूने उसके घर की उसकी और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा तूने तो उसके काम पर आशिषती है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है Lord, परमेश्वर का वचन बताता है कि यहां पर शैतान कह रहा है कि सब कुछ तूने दिया है सब कुछ आपने दिया है तो ऐसा है तो बिल्कुल आप ऐसा कीजिए कि आप देख लीजिए ये बिना ये अयुब स्वार्थी है कि नहीं तब परमेश्वर कहता है कि आ, शैतान कहता है परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा देखिए शैतान कैसी बातों को कैसी बातों को बोल रहा है वो बोल रहा है कि अगर आपने सब कुछ दिया है तो आप एक बार उसको देखिए वो उसी मुंह से तेरी निंदा करेगा जानते हैं परमेश्वर ने हमें मुंह दिया है अपनी महिमा और स्तुति के लिए जब कई परिस्थितियां आपके सामने आए आप इसी मुंह से परमेश्वर की आराधना कीजिए परमेश्वर की स्तुति कीजिए आप उसी वक्त शैतान के इस कॉन्फिडेंस को जो शैतान सोचता है कि अगर उसने हमारे सामने कुछ ऐसी मुश्किलों को खड़ा कर दिया तो हम निंदा करेंगे या परमेश्वर से शिकायत करेंगे या हम परमेश्वर के बारे में कुछ बोलेंगे उसी वक्त जब हम, हम विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर के नाम की बड़ाई करने लगते हैं तो उसी वक्त शैतान पराजित होता है वो ये देखना चाह रहा था ठीक है सब कुछ नॉर्मल है अब आप करके देखिए कि अयुब क्या करता है जब हम आगे पढ़ते हैं तब परमेश्वर भी कॉन्फिडेंट था परमेश्वर को पता था जो रिलेशन अयुब और परमेश्वर के बीच है उसको शैतान नहीं समझ सकता है अयुब कैसा व्यक्ति है इतने कॉन्फिडेंस से परमेश्वर इसलिए बोल रहा था परमेश्वर जानता था अयुब सचमुच परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है और जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो परमेश्वर अलाव करते हैं कि सब कुछ करना परंतु उसके शरीर पर हाथ ना लगाना और उसके बाद शैतान चला जाता है और उसके बाद हम देखते हैं इतनी अच्छी फैमिली जो अयुब को उस आशीष के रूप में मिली थी तब क्या होता है हम यहां पर हम यहां पाते हैं परमेश्वर का वचन बताता है कि एक दिन उसके बेटे बेटियां एक पार्टी एक सेलिब्रेशन में अपने बड़े भाई के घर गए थे और वहां हम देखते हैं एक ही दिन में ऐसा हादसा होता है एक ही दिन में उसके जानवर उसके संपत्ति और उसके बच्चे एक साथ नाश होते हैं जब हम पढ़ते हैं तेरह पद से लेके और उसका अठारह पद तक अब आप सोचिए जिन बच्चों के लिए वो बलिदान चढ़ाता था जिन बच्चों से वो इतना प्यार करता था और हम जानते हैं कि बच्चे हमारी संपत्ति हैं हमारी पूंजी होते हैं हमारे परमेश्वर हमारे हमें परमेश्वर की तरफ से दिए हुए गिफ्ट्स हैं, कितने प्रीशियस हैं हमारे बच्चे धन संपत्ति खत्म हो जाए कोई बात नहीं वो फिर से आ जाएगी लेकिन अगर हमारे बच्चे हमसे इस समय दूर हो जाए इस परिस्थिति में हमसे बिल्कुल अलग हो जाए उनके घर में अगर ऐसी त्रासदी किसी के घर में हो जाए उस व्यक्ति पे क्या बीतेगी एक दो नहीं सारे बच्चे एक साथ नाश हो गए और उसके बाद हम अयुब के जीवन में देखते हैं इतना बड़ा दुख जब उसके जीवन में आया उसको नहीं पता था कि कौन सी बातें परमेश्वर और, और शैतान के बीच हुई है वो अननोन था उन सारी बातों से लेकिन हम पढ़ते हैं कि जब ऐसी बातें अयुब के सामने आई तो उसका उसका उसकी प्रतिक्रिया क्या थी उसका रिएक्शन क्या था उस वक्त मैं आज इस वचन से आपको यही बताना चाह रही हूं कई बार हमारे साथ ऐसी परिस्थितियां आती है और कई परिस्थितियों में परमेश्वर को सीधे सीधे दोष देते हैं सीधे सीधे हम परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर हमने आपके लिए इतना कुछ किया लेकिन उसके बावजूद भी मेरे साथ ऐसा क्यों घटा मेरे साथ ये सिचुएशन क्यों आई चाहे फाइनेंशियली हो चाहे हमारे अजीजों का हमसे दूर जाना हो या हमारे परिवार में कोई भी प्रॉब्लम हो हम सीधे सीधे परमेश्वर को दोष देते हैं लेकिन जानते हैं अयुब के जीवन से हम एक बात को हम देखते हैं उसका अटूट विश्वास कितना अटूट विश्वास था परमेश्वर पे वो कभी भी इससे अलग नहीं हुआ परमेश्वर का वचन बताता है तब अयुब उठा और फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत उस में एक बहुत बड़ी बात परमेश्वर के लिए कही कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा यहा ने दिया और यह ही ने लिया यहा का नाम धन्य है लॉर्ड ये हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए जब हमारे साथ जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी हो या जब ऐसी बात हो जब हम बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हों जब ऐसी बात हो जब हमारा जीवन बहुत ही उस समय से गुजर रहा हो जो बहुत आपके और मेरे लिए पीड़ादायक हो बहुत बड़े दुख से जब हमें गुजरना पड़े हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए हमें कैसा रिएक्शन होना चाहिए परमेश्वर का वचन बताता है हमें यही बोलना चाहिए यह ने दिया यह ने लिया परमेश्वर का नाम यह का नाम धन्य है प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना है जब हम नए नियम में पढ़ते हैं पहला तो में वहां पर लिखा है एक परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दो सचमुच ये अयुब के समय अयुब के जीवन से इस समय देखने के और सीखने के लिए मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम कई बार देखते हैं इस मसीही जीवन में हम वचन भी बहुत पढ़ते हैं हम हर कुछ करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी जब हमारे जीवन में संकट क्लेश और कई विपत्तियां आती हैं कई ऐसी बातें आती हैं हम अपना साहस छोड़ देते हैं और हम परमेश्वर को स्मरण नहीं करते हम परमेश्वर से और दूर हो जाते हैं परमेश्वर को कोसते हैं लेकिन अयुब के जीवन से सीखे ये मुझे और आपको सीखना है कि अयुब ने क्या सेंटेंस बोला और सच मुझ उसी वक्त शैतान को झटका लगा होगा उसी वक्त शैतान को झटका लगा होगा कि व्यक्ति क्या बोल रहा है इतना होने के बाद भी अभी इसके बच्चे नहीं हैं इसके घर की संपत्ति खत्म हो गई है सब जल के खाक हो गया है लेकिन उसके बावजूद भी इसके मुंह से क्या निकल रहा है परमेश्वर का वचन बताता है इन सब बातों से भी अयुब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया हम और आप कई बार मूर्खता से परमेश्वर पर दोष लगाते हैं कई बार हम सोचते भी नहीं है कि हम परमेश्वर से क्या बोल रहे हैं लेकिन जानते हैं अयुब के धीरज के विषय में इसलिए कहा गया कि उसका धीरज गया। और, वो और विश्वास में परखा गया और उसके बाद वो सोने सा तप के निकला प्रेज द लॉर्ड आज इसके जीवन से अयुब के जीवन से मैं आपको एक बात इनकरेज करना चाह रही हूँ इन वचनों से कई भाई बहन ऐसे होंगे जो इस समय बहुत ही क्लेशों से गुजर रहे होंगे मैं नहीं जानती हूँ लेकिन कोई भी भाई या बहन जो इस समय ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जिन्होंने अपने अजीजों को खोया है जिन्होंने अपने अपने जीवन में ऐसी कई चीजों को लॉस्ट किया है कई चीज़ें उनके हाथ से निकल गई हैं मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ परमेश्वर आपको बहुत ही भरपूरी से देने जा रहा है प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर आपको दुगना प्रतिफल देने जा रहा है जो परमेश्वर ने अपने दास के जीवन में देखा कि वो अपने इस विश्वास में अटिक और अटूट बना रहा उसने अपनी विपरीत परिस्थितियों पर भी काबू पाना सीखा जिसे जिसे हमें और आपको समझना है और सीखना है कि इन विपरीत परिस्थितियों में हम कैसे काबू पा सकते हैं कैसे हम अपने संयम को बना के रखें कैसे हम और भी परमेश्वर को धन्यवाद दें कैसे इस विश्वास में हम दृढ़ रहें प्रेज लॉर्ड परमेश्वर का वचन बताता है फिर जाता है शैतान और परमेश्वर से बोलता है यही बातों को परमेश्वर से वो फिर बोलता है ठीक है तुम जाओ और जाके अयुब को देखो बस उसका प्राण छोड़ देना बाकी सब तेरे हाथ में है और सचमुच उसी वक्त शैतान जाता है और वो अयुब को एक भारी भारी विपत्ति में भारी एक ऐसे बीमारी से भर देता है सर से लिखे वचन बताता है उसके तलवों तक सर की चोटी से लेकर पांव के, के तलवे तक वो बड़े-बड़े फोड़ों से पीड़ित हो गया अब आप समझ सकते हैं एक भी अगर पिंपल भी अगर आपको निकलता है और वो आपके किसी भी जगह हो चेहरे पे तो वो कितना दर्द होता है तो फोड़ा कितना बड़ा होगा कितना क्लेश होगा हम हम देख सकते हैं कि अयुब इतना बड़ा इतना बड़ा ऊज देश का इतना बड़ा धर्मी व्यक्ति उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी क्या उसकी कंडीशन एक दिन में हो गई उस कंडीशन को देखते हुए परमेश्वर का वचन हमें आज ये बता रहा है कि हो सकता है कि आप बहुत अच्छे से रह रहे हो हो सकता है कि आपको उस दुख से गुजरना पड़े हो सकता है कि आपको उस कई बार सुख आपके जीवन में है कई बार दुख भी आएगा लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है इन दुख की परिस्थिति में ज्यादा विश्वास में बने रहना इन परिस्थितियों में कायम रहना शैतान को मुंह तोड़ जवाब देना हमें सीखना है क्योंकि शैतान यही तो चाहता है कि वो हमारे और आपके जीवन में आकर हमारी परिस्थितियों को डवाडोल करे आपके विश्वास को हला, हिलाए आपको परमेश्वर से दूर करे परमेश्वर की संगति से आपको दूर कर दे परमेश्वर के लोगों से आपको दूर कर दे आपको उस दुख में और दर्द में छोड़ दे और जैसे ही हम यहाँ देखते हैं कि इतने पीड़ा होने के बावजूद भी को कुछ नहीं हुआ वो गया और अलग जाकर जहां पर उसको कोई भी पूछ नहीं रहा था एक अलग जाकर नगर के फाटक के फाटक पास वो बैठ जाता है वहां उसके दास दासी भी उसको पहचानने से इनकार कर देते हैं बहुत सारे लोग उसके मुख को देख कर अपना मुंह फेर लेते हैं आज उस व्यक्ति की हालत ऐसी हो गई थी और उसकी पत्नी जब उसकी पत्नी इस कंडीशन को देखती है तो क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए एक मसीही एक मसीही पत्नी को साथ देना चाहिए था अपने पति का इस समय कई बार हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं परमेश्वर का वचन ही नहीं सिखाता है अगर पति को कुछ हो जाए तो हम क्या करते हैं कि हम छोड़ देते हैं कई बार हम अपने लोगों को छोड़ देते हैं यहाँ पर भी वो संसारिक थी उसकी पत्नी ने जब देखा कि मेरे साथ इतना दुख हो चुका है मेरे बच्चे खत्म हो चुके हैं मेरा पति आज इस बीमारी के हालात में है तो वो अपने पति के पास जाकर कहती है कि तू परमेश्वर की निंदा कर क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना हुआ है और चाहे मर जाए तो मर जा ऐसा सेंटेंस एक पत्नी अपने पति के बारे में बोल रही है लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि कोई भी कंडीशन आपके साथ क्यों ना हो आपके अपने चले जाएं, आपके लोग आप से अलग, हो जाए। आपका आप से अलग हो जाए आपके, आपके बच्चे अलग हो जाए लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर का वचन बोलता है मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा एक सिर्फ परमेश्वर ही है जो हर परिस्थिति में आपके साथ आजकल और युगानुग एक बना रहने वाला परमेश्वर है प्रेज लॉर्ड प्रेज परमेश्वर का धन्यवाद हो इतनी पीड़ा में है है लेकिन उसकी पत्नी कह रही तू निंदा कर तो निंदा कर परमेश्वर की और उसके बाद हम देखते हैं वो क्या जवाब देता है अयुब अपनी पत्नी को उसने उससे कहा तू एक मूल स्त्री की सी बात करती है तू मूर्ख है तू नहीं समझ रही है आज इस बात को तू तो समझ नहीं पा रही है और जो उसका जवाब था वो कॉन्फिडेंस को वो आत्मविश्वास उसका जो विश्वास प्रभु पर था उस विश्वास को प्रभु ने नोटिस कर लिया कि मैंने अगर शैतान से किसी के बारे में बात की है तो ये है मेरा दास अयोब जो आज भी इतना होने के बावजूद भी मेरे विश्वास में बना है क्या हम और आप हमारे बारे में परमेश्वर ऐसा बोल सकते हैं कि इन परिस्थितियों में भी हम वैसे ही बने हुए हैं अयुब कहता है अपनी पत्नी को जवाब देता है कि तू एक मूल स्त्री किसी बात करती है क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से दुख लेते हैं सुख लेते हैं दुख ना ले इन सब बातों से भी अयुब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया ध्यान दीजिएगा कई बार ऐसी बातें आपके सामने आएंगी कि आप इतने दिन से बाइबल पढ़ रहे हैं इतने दिन से उपवास प्रार्थना कर रहे हैं इतने प्रभु की आप इतनी सेवा कर रहे हैं उसके बावजूद भी ये दुख आपके साथ बना हुआ है आप छोड़ दीजिए आप ये सब छोड़ दीजिए शैतान यही तो चाहता है कि हम छोड़ दें। शैतान यही चाहता है कि हम इन सारी बातों से अलग हो जाए क्योंकि वो हमारे जीवन को नाश करने की कगार पे ले जाए कि हम अपने जीवन को नाश की ओर ले जाए लेकिन परमेश्वर हमें उन आशीषों की ओर लेके जाना चाहता है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर का वचन ये बताता है इन सारी बातों से भी अयुब ने कहा क्या हम जो सुख ले इतने सालों तक जो परमेश्वर ने हमें सुख दिया इतनी आशीषों को दिया हम इतने अच्छे तरीके से रहे, हम अपने बच्चों के साथ हमने इंजॉय किया हम इतनी खुशियों को हमने अपने जीवन में लिया क्या इस दुख के बाद परमेश्वर की निंदा करूं यह मुझसे नहीं हो सकता है द लॉर्ड आज यही हमारा रवैया होना चाहिए यही हमारा रिएक्शन होना चाहिए अगर हम परमेश्वर के वचन पे बने रहने वाले बेटे और बेटियां हैं लॉर्ड परमेश्वर का वचन बताता है अयुब के तीन मित्र नमाती सोपोर और तिमानी शुही बिल्द शुह तीनों दोस्त जो उसके इतने क्लोज थे उन्होंने भी अयुब को छोड़ दिया सात दिन तक उन्होंने विलाप किया और देखा वो देखते रह गए उसकी कंडीशन को लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बोलना शुरू किया वो परमेश्वर के खिलाफ उसको और डिकरेज किया जब आप परेशानी में होंगे जब आप ऐसी तकलीफों में होंगे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको डिस्करेजमेंट की बातों को बोलेंगे जो आपके उसमें भी आपकी बुराइयों को बोलेंगे कि जरूर आपने कुछ ऐसा किया होगा जरूर आपने अपने जीवन में पापों को किया होगा तभी आपको सजा मिली है लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है अगर हम और आप परमेश्वर के लोग हैं अगर हमारी परिस्थितियों में हम इतनी जल्दी हिम्मत हार जाएंगे तो आप जानते हैं शैतान को मौका मिल जाएगा शैतान जीत जाएगा लेकिन अगर इन कठिन परिस्थितियों में हम विश्वास में बने रहते हैं या उन भाई बहनों की जो सही में ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और आप उनके फ्रेंड हैं, आप उनके नियरेस्ट हैं और उनके क्लोजेस्ट हैं तो आप उन्हें प्रोत्साहित कीजिए परमेश्वर के वचनों से निराशा में भी आशा दीजिए उन बातों में उनके जीवन में वचन की उस उम्मीद को जगाइए और हम एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बने ना कि डिस्करेजमेंट का प्रेज द लॉर्ड कई ऐसे लोग होंगे जो आपके दुख में आपको छोड़कर चले जाएंगे जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी हो जाए जब आप ऐसी बीमारी से जूझ रहे हो जिसका जिसको डॉक्टर ने बोल दिया हो कि बीमारी ठीक नहीं हो सकती हमें नहीं पता इसका समय कब तक होगा कई लोग आपको ऐसी बातों को बोलेंगे लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर आपकी ओर आंखों को लगाए रहता है और जानते हैं परमेश्वर के इसी बात को अयुब ने दृढ़ता से था में रहा कितने साल बीत गए उसकी कंडीशन भयावह पे भयावह होती गई उसकी कंडीशन दिन ब दिन खराब होती गई लेकिन जानते हैं परमेश्वर का उसने धन्यवाद दिया अयुब उसके, उसके 19 और 25 में परमेश्वर का वचन बताता है अयुब फिर भी कहता है मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा द लॉर्ड ये है जवाब ये है जवाब कि परिस्थिति कैसी भी हो हमारा और आपका छुड़ाने वाला जीवित है द लॉर्ड वो मुर्दा परमेश्वर नहीं है कि वो आपके लिए काम ना कर सके वो परमेश्वर ऐसा है वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है वो परमेश्वर ऐसा है कि उस लाल समुद्र को दो भाग करने वाला है उसके आश्चर्य कर्मों की था नहीं लगती है आप एक बार उन परिस्थितियों में डटे रहिए आप एक बार इन परिस्थितियों से निकल कर जाइए परमेश्वर आपको आने वाले जीवन में कई बातों में आपको आशीषित करने जा रहा है परमेश्वर का वचन बताता है कि इन सारी बातों के बावजूद भी अयुब के जीवन में कोई भी बदलाव नहीं हुआ वो वैसे ही बना रहा वो साहस छोड़ सकता था उसने परमेश्वर से भी बातें की लेकिन उन बातों में भी उसके जीवन में एक बात थी वो उजियाला वो जो उसके इस दुख के बाद आने वाला था वो देख पा रहा था लॉर्ड और सब जब हम पढ़ते हैं अयुब के जीवन से सबसे लास्ट चैप्टर में अयुब और उसके बयालीस अध्याय में 42 चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि वो ऐसे ही धूली और राख पर बैठा हुआ है और उसी समय परमेश्वर उसके उस चीजों को निरंतर ये कोई जो ड्यूरेशन था ये एक दिन का नहीं था दो दिन का नहीं था कुछ महीनों का नहीं था ये कुछ सालों का था प्रेज़ द लॉर्ड और इतने सालों तक विश्वास में अपने धीरज में कायम रहना बहुत बड़ी बात है ये हम के जीवन से सीखते हैं हो सकता है हो सकता है आपके जीवन में वो बीमारी कुछ महीनों तक रहे हो सकता है ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन आपके जीवन में कुछ सालों तक रहे लेकिन अगर आप परमेश्वर में बने हुए हैं बेशक सब आपसे आप अलग हो गए लेकिन अगर प्रभु आपके साथ है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपके साथ है सबसे बड़ी चीज आपके साथ है इस आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला जब आपके साथ है तो आपके जीवन में वो उजाला लेके ही आएगा और परमेश्वर का वचन बताता है जब हम लास्ट चैप्टर में पढ़ते हैं अयुब का घोर परीक्षा से टूटना उस परीक्षा का टूटना जब हम देखते हैं कि उसके बाद जब ये बातें परमेश्वर और अयुब की हो चुकी उसके बाद क्या होता है उनके तीन मित्र परमेश्वर बहुत क्रोधित हुआ जब हम कई बार अपने परमेश्वर के दासों के लिए परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत बुरा भला करते हैं परमेश्वर उसका जरूर बदला लेता है आप जानते हैं हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हम प्रभु के लोगों के लिए प्रभु के दासों के लिए हम कोई अपशब्द को ना बोले कई ऐसी बातों को हम कभी कभी परमेश्वर के खिलाफ बोलते हैं परमेश्वर के लोगों के खिलाफ बोलते हैं ये हम मसीहों को बहुत गौर करने की जरूरत है अगर हमारा जीवन इन बेसिक बातों में परमेश्वर के उन गुणों पे नहीं परमेश्वर के उन आत्मा के फलों में नहीं है तो हमारा जीवन जीना इस पृथ्वी पे व्यर्थ है परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें अपने आत्मा के फलों को अपने अंदर लेना है परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने परमेश्वर उनके तीनों अयुब के तीनों मित्रों पर इतना क्रोधित हुआ और परमेश्वर ने ये बात कही कि तुम जाकर मेरे दास अयुब के पास जाओ वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा तब मैं तुम्हें क्षमा करूंगा क्योंकि इतने सालों तक तुमने अयुब से कोई अच्छी बातें नहीं की तुमने परमेश्वर और उसके दास के लिए कुछ अच्छी बातों को नहीं कहा तुमने हमेशा डिस्करेजमेंट की बातों को कहा और हम देखते हैं अयुब के जीवन में क्या होता है अयुब उनके लिए भी प्रार्थना करता है प्रेज द लॉन आप अपने लिए ही नहीं आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनेंगे प्रेज द लॉर्ड जब आप कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं परमेश्वर आपको दूसरों के लिए का कारण बनाएगा प्रेज द लॉर्ड और आपके जीवन को भी परमेश्वर का त्यों कर देगा यह हम अयुब के जीवन से देखते हैं और वचन बताता है जब अयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहुआ ने उसका सारा दुख दूर कर दिया प्रेज द लॉर्ड जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं जब दूसरों के लिए उस दुख को उठाते हैं परमेश्वर हमारे उन हर एक दुखों को दूर कर देता है हम अपने तक ही सीमित ना रहे हम दूसरों के लिए भी सोचे सबसे पहले हम परमेश्वर के लिए सोचे हम दूसरों के हितों के लिए सोचे परमेश्वर आपका दुख को दूर कर देंगे और लिखा है और जितना अयुब का पहले था जितनी बातें हमने अयुब उसके पहले अध्याय के एक पद से पढ़ी थी जितना कुछ उसका पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर आपको भी देने जा रहा है परमेश्वर आपको भी देखा इस समय पूरे धीरज के साथ पूरे विश्वास के साथ प्रभु के हाथ को थाम के चलिए बेशक आपके साथ कुछ भी हो रहा हो परमेश्वर के साथ आप बने रहे और जब आप परमेश्वर के साथ बने रहते हैं आप जानते हैं परमेश्वर आपके जीवन में उन आशीषों को लेके आएंगे जिसे लिखा है वचन बताता है तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया और जितनी विपत्ति युवा ने उस पर डाली थी उन सब के विषय में उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी आप देखिए वही लोग जो उससे दूर हो गए थे जो उसको पहचान नहीं रहे थे जो दुख की घड़ी में उसके पास आना नहीं चाहते थे वो लोगों वो लोग भी वापस आ गए और उनके लिए देखिए उस अयुब के जीवन से कितनी अच्छी बातें हुई उन्होंने खाली हाथ उसने विदा नहीं किया उन लोग को कुछ दे के विदा किया आशीष तो दी ही साथ में उन चीजों को भी दिया जो हम आपस में देते हैं एक गिफ्ट के रूप में प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर का वचन बताता है और यहुआ ने अयुब के पिछले दिनों में उसको अगली उसको अगले दिनों से अधिक आशीषें दी और उसकी धन संपत्ति बढ़ गई और वचन बताता है उसके फिर से सात बेटे और तीन बेटियां उत्पन्न हुई और वचन बताता है कि उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं ना थी जो अयुब की बेटियों के समान सुंदर हो और उसके पिता ने उसको और उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी प्रेज द लॉर्ड ये रहा अयुब का जीवन इतना सुंदर जीवन हम लोग सोचते हैं कि यहाँ बहुत कष्ट है इस पृथ्वी पे बहुत दुख है हम इतनी जल्दी हिम्मत हार जाते हैं इतनी जल्दी हम गिवअप कर देते हैं हम बोल जाते परमेश्वर ने हमसे क्या वायदा किया है हम बोल जाते परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा की है लेकिन आप अपने विश्वास में दृढ़ रहे उस धीरज को थामे रहे इस दुख तकलीफ को आप आनंदित होके प्रभु में मगन होकर आप सहले परमेश्वर आपको प्रतिफल देने जा रहा है प्रेज द लॉर्ड आपके पूरे परिवार को और जो लोग आपसे दूर हो गए हैं परमेश्वर उनको भी निकटता में लाएगा आप दूसरों के आशीषों का कारण बनेंगे और परमेश्वर के सामने एक विश्वास आप हमेशा चमकते रहेंगे द लॉर्ड परमेश्वर आपको वो रिवॉर्ड देगा वो मुकुट देगा जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में देने का वायदा किया है और सचमुच अयुब के जीवन से हम लगातार यही देखें चाहे शैतान कितनी भी चाले चल ले शैतान कितनी भी कोशिश आपके जीवन में कर ले कभी भी आप निराश ना हो कभी भी आप हताश ना हो हमेशा अयुब के जीवन को आप देखें परमेश्वर के वचनों को देखें और कहें मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा लॉर्ड परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सब को आशीषित करें क्योंकि मैंने भी इन वचनों से बहुत आशीष पाई परमेश्वर है जो हमारे साथ है वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा कभी भी नहीं त्यागेगा आपके 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 हर हर एक एक बीमारी में में कंडीशन वो आपके संग और साथ रहेगा। Lord, साथ रहेगा प्रेज द लॉर्ड प्रार्थना के इस सेशन को हम खत्म करेंगे थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस एस हाल लोया मेरे महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए मेरे जीवते खुदावन इस समय मैं आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवते पिता कि आप हमारे साथ रहे पिता इस पूरे सेशन को करने में पिता आपने मदद और सहायता की मेरे जीवते पिता मैं धन्यवाद देती हूँ खास तौर से पिता आपके वचन के लिए अयुब के जीवन को जब भी हम देखे पिता हम ये हमेशा स्मरण करें कि हमारे जीवन में कुछ भी हो पिता हम आपका साथ ना छोड़ें हम अपने मुंह से आपके बारे में कभी कुछ ना बोले वरन हर एक परिस्थिति में आपको हम धन्यवाद देकर आगे बढ़ने वाले हो सके पिता क्योंकि हमें निश्चय है कि आप जीवित हैं और आप हमारे साथ हैं और हर परिस्थिति में आप हमें थामे रहते हैं मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित पिता खासतौर तो से इस पेज के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता इस प्रेयर ग्रुप टीम जीसस को और भी बढ़ाइए मेरे जीवते पिता और हमारे जितने भाई बहन इस टीम के द्वारा इसके माध्यम से आपकी सेवा दे रहे एक एक जन को उसके घर आने और परिवार सहित आशीषित दीजिए मेरे जीवते पिता और होने दीजिए कि आपके आने के दिन तक आपकी सेवा में पाए जाने पाए और इस सेवा के लिए पिता आप उन्हें रिवॉर्डेड करें पिता परमेश्वर इनके घरों में आपके आशीष होने पाए हालया और होने दीजिए पिता एक एक जन के जीवन से आपकी महिमा आपके आने तक होती रहे हाले लोहिया और मैं धन्यवाद देती हूँ पिता और प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन इस समय इस सेशन में जुड़े रहे एक एक जन को अपनी आशीषों से परिपूर्ण कर दीजिए अगर पिता परमेश्वर अगर इस समय कोई भी बहन या भाई बीमार है मैं प्रार्थना करती हूँ हाले लोहिया यीशु मसीह के नाम से हर एक बातें उनके जीवन से जाने पाए हर एक बीमारी जाने पाए और होने दीजिए पिता परमेश्वर बेशक वो आज बहाते हुए इस समय है पिता बोएंगे या इस समय वो बहुत क्लेश में है लेकिन वो आने वाले दिनों में पिता खुशी के साथ वो लहलाएंगे हाले मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ हर एक के लिए आशीषों को मांगती हूँ पिता हम सबों के साथ हो ये, पिता जो भी आपके वचन से सीखे ईमानदारी और खराई से आपके वचनों में चल सके अयुब की तरह हमें भी पिता अपने जीवन में चलने की मदद सहायता अगुवाई करे कि ऐसे ही जीवन ऐसे ही गुण हमारे अंदर पाए जाएं। हर एक बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और हर एक बातों में मैं आपको सारी आदर महिमा देते हुए आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ आमिन 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 प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर का धन्यवाद हो और सचमुच प्रभु आप सबों को आशीषित करें और इस पेज को और भी ज़्यादा आशीषित करें कि इस पेज के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को अच्छे अच्छे दासों को लाए हम उनके द्वारा परमेश्वर के वचनों को सुने और सचमुच आने वाले दिनों में जबकि यीशु मसीह का आना बहुत निकट है हम सब ऐसी अलग अलग जगहों से यीशु मसीह के आने तक उसके साथ बने रहे और साथ ही साथ उनके साथ बादलों पे उठाए जाए प्रेज लॉर्ड परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें प्रेज सबों को जय मसीह